हेलो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत में जो नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। 11 जो 13 अगस्त 2022 को घोषित किए गए थे, और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये रामसर ईरान में हुआ था, और ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ये हुआ था आदर भूमि संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। और अब हम बात करते हैं कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है। तो देखिए, रामसर साइट भारत में पहले 49 थी, उसके बाद 5 जोड़ी गई तो हुई कितनी 54, उसके बाद में 10 जोड़ी गई तो कितनी हुई 64 यानी 64, और उसके बाद में प्लस 11 अभी जोड़ी गई है 13 अगस्त को, तो टोटल कितनी हो गई 75। और 75 अभी जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इसलिए कितनी कर दी, टोटल 75 कर दी। अब देखो सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु में कितनी है 14, उसके बाद में यूपी में सर्वाधिक कितनी, 2 नंबर पर यूपी है, कितनी है 10 है। कुल हेक्टेयर है वो 13,26,677 हेक्टेयर में ये रामसर स्थल है भारत में। उसके बाद में 11 जो नए हैं उसमें 4 तो तमिलनाडु के, उसके बाद में उड़ीसा के 3 है, जम्मू कश्मीर के 2 है, एमपी के 1 है और महाराष्ट्र के 1 है। उसके बाद में ये इनके नाम में जिनको शामिल किया गया अभी देखो, एक तो है तनपारा झील ये उड़ीसा में, उसके बाद हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में, अनसोपा झील ये भी उड़ीसा में जिसको शामिल किया गया अभी 13 अगस्त को, उसके बाद यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में, उसके बाद में चित्रकुंडी ये है पक्षी अभयारण्य है, उसके बाद में सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु में, उसके बाद में वेडुवोर पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में, उसके बाद में काजीर कुलम पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में, उसके बाद में हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में ठाण गिरी ये महाराष्ट्र में, और उसके बाद में ये सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये थे 11 ने जो रामसर स्थल घोषित किए गए थे भारत में कब, 13 अगस्त को। ठीक है, कई बार यहाँ से करंट अफेयर से सीधे सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन से कब जो ये रामसर स्थल घोषित किए गए थे। तो ओके, धन्यवाद।